इंटरनेशनल फ्लाइट में बुजुर्ग महिला यात्री पर पेशाब वाले आरोपी शंकर को दिल्ली पुलिस ने आखिरकार बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है और एयर इंडिया के स्टाफ से दिल्ली पुलिस की पूछताछ लगातार चल रही है। पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया के विमान में हुई अशोभनीय घटना को लेकर अब तक दोनों तरफ से वर्जन आ चुके हैं। दो दिन तक पुलिस से लुका छिपी के बाद आखिरकार हत्थे चढ़ गया शंकर मिश्रा। जी हाँ, शंकर मिश्रा, जिस पर एक इंटरनेशनल फ्लाइट में बुजुर्ग महिला सहयात्री पर शराब के नशे में पेशाब करने का आरोप है। शंकर की तलाश में दिल्ली पुलिस कल से मुंबई से बेंगलुरु तक छापेमारी कर रही है। आखिरकार पुलिस ने उसे बेंगलुरु से धर दबोचा। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक 3 जनवरी को शंकर मिश्रा की आखिरी लोकेशन बेंगलुरु में थी। 3 जनवरी को शंकर ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया था। शंकर मिश्रा बेंगलुरु में टैक्सी का इस्तेमाल कर रहा था। शंकर को पकड़ने के लिए पुलिस ने उसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली। दिल्ली पुलिस ने ट्रैवल हिस्ट्री के जरिए उसके रूट को फॉलो किया। कल देर रात मैसूर में शंकर मिश्रा की लोकेशन मिली थी, लेकिन जब तक दिल्ली पुलिस वहां पहुंचती, शंकर मिश्रा टैक्सी से उतरकर जा चुका था। टैक्सी के ड्राइवर से पूछताछ की गई, जिससे कुछ लीड मिली और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। दिल्ली लाकर शंकर मिश्रा से पूछताछ चल रही है। ये घटना 26 नवंबर 2022 की है, जब न्यूयॉर्क से दिल्ली के लिए फ्लाइट AI-102 में महिला बिजनेस क्लास में सफर कर रही थी। आरोप है कि लंच के बाद लाइट्स बंद थी, तभी आरोपी शंकर मिश्रा बुजुर्ग महिला की सीट के पास आकर उनके ऊपर ही पेशाब करने लगा। जो लेडी थे उन्होंने शी केम टू द गैली और उनके पूरे बॉडी में पानी जैसा कुछ लगा हुआ था एंड फिर हम समझे नहीं बिकॉज बहुत डरी हुई सी थी, ट्रॉमाटाइज थी। तो उन्होंने बताया कि देखो ये को पैसेंजर ने आके हमारे ऊपर यूरिनेट किया और मेरे बैग खराब हो गया और सब कुछ हो गया। घटना 26 नवंबर की है, लेकिन अब इस पर एक्शन शुरू हुआ है। दोनों पक्ष के बीच व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर आरोपी पक्ष के वकील का दावा है कि महिला के कपड़े और बैग की सफाई करवा कर 30 नवंबर को डिलीवर करवा दिया गया था। आरोपी पक्ष के मुताबिक महिला ने शंकर को माफ कर दिया था और इस पर कोई शिकायत दर्ज न कराने का भी भरोसा दिया था। आरोपी पक्ष के मुताबिक 28 नवंबर को महिला को सहमति के आधार पर मुआवजा भी दे दिया गया था, लेकिन 19 दिसंबर को महिला की बेटी ने पैसा लौटा दिया। आरोपी पक्ष के मुताबिक इस मामले में कोई चश्मदीद नहीं है और सुनी सुनाई बात पर आरोप लगाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगा। वो लेडी 72 ईयर की है, माँ के जैसी है, ये 34 साल का बच्चा है, ऐसे कैसे कर सकता है। वो शादीशुदा है, उसकी एक बेटी है 18 साल की, ऐसा कोई भी आदमी नहीं कर सकता है। फिलहाल शंकर मिश्रा दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। जिस अमेरिकी कंपनी में वो वाइस प्रेसिडेंट जैसे ऊंचे ओहदे पर काम कर रहे थे, उस कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और इस बीच DCP रवि कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आज तक संवाददाता श्रेया चटर्जी ने उनसे बातचीत की, आपको सुनवाते हैं उनकी प्रतिक्रिया। हमारे साथ DCP IGI रवि कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। सर, शंकर मिश्रा को आप लोगों ने कल कितने बजे गिरफ्तार किया और वो सीक्वेंस अगर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मैम, ये कल रात को 12 बजे के बाद इनको अरेस्ट किया गया है बेंगलोर से। तो संजय नगर जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से इनको अप्रिहेंड किया गया है बेंगलोर से, बेंगलोर पुलिस की मदद से, और हमारी जो टीम थी जो बेंगलोर में थी इन्होंने अप्रिहेंड किया है और इसके बाद इनको फर्स्ट फ्लाइट से हम लोग लेके यहाँ पे दिल्ली आ गए हैं। सर, क्या ये कोऑपरेट कर रहे हैं अभी इन्वेस्टिगेशन में? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहूंगा इस पर। सर, वो लगातार अपने लोकेशन बदल रहे थे, पहले मैसूर गए थे फिर बैंगलोर, तो कहीं ना कहीं वो इवेट करने की भी कोशिश उन्होंने किया। हाँ देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो शुरू से नहीं ज्वाइन कर रहे थे, तो इसी वजह से हमें NBW में हमने इनका कल इशू कराया था और जगह जगह हम लोगों की टीम जो है छापेमारी भी कर रही थी। तो इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट डे से ही सपोर्टिव रवैया नहीं था इनका। सर, कौन कौन से धाराएं में आप लोगों ने केस रजिस्टर किए?
इसमें 294, 354, 509, 510 IPC और 23 एयरक्राफ्ट रूल में मुकदमा दर्ज किया गया है। सर, शंकर मिश्रा के अलावा और किन किन से आप लोग सवाल कर रहे हैं? उनके पिताजी को भी कोई समन गया है या फिर कोई और को पैसेंजर्स को भी? नहीं, जो इस विटनेस हैं इस इंसिडेंट के, बेसिकली उन्हीं से पूछताछ है और उनके पिताजी या फैमिली मेम्बर्स से इन्हीं के वेयर अबाउट्स के लिए, जानकारी के लिए उनसे बातचीत हो रही थी। बाकी एयर इंडिया के जो है 4 क्रू को हम लोग कर चुके हैं इंटरोगेट और 5 लोगों को हम लोगों ने और बुलाया है। इसके अलावा 3 को पैसेंजर्स भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनको हम लोग इंटरोगेट करना चाह रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि जो जिन्होंने कंप्लेनेंट है उनके साथ पहले से कोई जान पहचान या कोई लिंक इन दोनों के बीच में एस्टेब्लिश है, तो जो कंप्लेनेंट है क्या वो कोऑपरेट कर रहे हैं? अभी ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी इस तरह पे मैं कमेंट नहीं कोऑपरेटिंग सर, अभी ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मैं बताऊंगा। ठीक है सर, रिमांड पे लेंगे आप इनको? हाँ, रिमांड पे लेंगे। ठीक।